हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अनुराग है और मैं प्रो राइडर व्लॉग्स के ओवरव्यू 360 सीरीज़ के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डोमिनार 250 के बारे में बात करेंगे और हम विश्लेषण करेंगे कि क्या हाईवे टूरिंग के लिए यह बाइक एक अच्छा या बुरा विकल्प है। बजाज ने बहुप्रतीक्षित डोमिनार 250 को भारत में 1,60,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली में लॉन्च किया है। यह डोमिनार 400 से 30,000 रुपये कम मिलता है, जिससे यह अधिक किफ़ायती विकल्प बन जाता है। बजाज डोमिनार 250 की कीमत का टैग इसे रेंज के बीच में धमाकेदार बनाता है। हम चर्चा करते हैं कि बजाज ने इसे बाज़ार में पेश करने के बारे में क्यों सोचा, जब 400cc पहले से ही मौजूद थी। इसके साथ यह भी समझना है कि बजाज ने 400cc की कीमतों में 40% की वृद्धि क्यों की। डोमिनार 400 के लॉन्च से पहले सभी को इसकी कीमत 1,60,000 रुपये या उसके स्थान पर होने की उम्मीद थी, लेकिन बजाज ने 2016 के अंत में एंट्री वेरिएंट के लिए 1,36,000 के अविश्वसनीय टैग की घोषणा करके देश को चौंका दिया। भारत ने इस तरह की कम कीमत वाली मोटरसाइकिल को कभी नहीं देखा था। कारण यह था कि बजाज ने सोचा था कि यह प्रति माह 10,000 सेल्स कर लेगी और पल्सर जैसे एक मजबूत ब्रांड बन सकता है, जो वास्तव में एक असंभव उपलब्धि थी। उस लक्ष्य से दूर डोमिनार सबसे अच्छा एक महीने में 2,000 से 2,500 यूनिट तक सेल्स को जाते देखा गया और BS6 के संक्रमण के कारण पिछले कुछ महीनों में यह 3 अंकों में गिर गया है। इस प्रतिक्रिया के बाद बजाज ने मोटरसाइकिल के साथ अपनी रणनीति बदल ली और अब इसे प्रीमियम पेशकश के रूप में पेश किया जा रहा है और अपने लक्ष्य को वापस लेने के लिए बजाज ने इसे 2019 में कई दिलचस्प विशेषताओं के साथ पेश किया, जैसे USD फ्रंट फोक्स, ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट, ड्यूअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और DOHC सेटअप इंजन, जिसमें अब पहले के मुकाबले 40 BHP की पावर जनरेट करती है। यह जानबूझकर मोटरसाइकिल को उच्च स्तर पर ले गया और डोमिनार 400 की कीमत अब अपने BS6 अवतार में 1,90,000 रुपये एक शोरूम है। अब बजाज को अपना सेल्स बढ़ाने और डोमिनार ब्रांड पे मजबूती पाने के लिए डोमिनार 400 के नीचे एक और क्वार्टर लीटर मोटरसाइकिल लाने का मौका मिला और 250cc KTM इंजन प्लेटफॉर्म बजाज के पास में पहले से ही है। डोमिनार को 200cc के साथ पेश किया जाता तो यह काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती मार्केट में, क्योंकि बजाज पल्सर सीरीज़ पहले से ही काफ़ी अच्छा कर रही है इस सेगमेंट में और डोमिनार के कैरेक्टर के साथ यह इसकी भारी वजन के साथ काफ़ी अंडरपावर्ड भी हो जाती है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि बजाज ने आंतरिक रूप से फैसला किया है कि उसका पल्सर ब्रांड 125cc से 220cc में चलने वाली मोटरसाइकिलों में बरकरार रहेगी और इसका क्वार्टर लीटर यानी KTM के 250 के इंजन से निकलने वाला और उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलें प्रीमियम वेरिएंट डोमिनार ब्रांडिंग को सपोर्ट करेगी। यहाँ इसके मूल्य टैग का हम एक विश्लेषण करके देखें तो सबसे महंगा पल्सर RS 200 की कीमत लगभग 1,45,000 रुपये एक शोरूम है। दूसरी ओर 250 ड्यूक की कीमत 2,00,000 एक शोरूम है और 250cc के हुस्क्वर्ना 1,80,000 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस टैग पर आते हैं। और बजाज ब्रांड के अंडर डोमिनार 400 जो कि RS 200 के बाद कंपनी ऑफर करती है, वो 1,90,000 रुपये में आती है। तो बजाज ने इसी गैप को भरने के लिए 250cc को मार्केट में 1,60,000 रुपये में उतारा, जिससे कस्टमर को हर प्राइस बजट में एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्राइस टैग पर यह अभी भी डोमिनार 400 की तुलना में 30,000 रुपये से अधिक सस्ता है और इसका अंतर आपको ऑन रोड की कीमत पर अधिक देखने को मिलेगी, जो खरीदारों के लिए इस पर विचार करने और ब्रांड के ओवरऑल मार्केट शेयर का विस्तार करने के लिए एक समझदारी और महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। बजाज डोमिनार 250 और डोमिनार 400 में स्टाइलिंग काफ़ी सेम है और कई फीचर्स और साइकिल पार्ट्स को भी कैरी करता है। इसमें एक ही जैसे LED लाइटिंग, एक ट्विन बैरल एग्जॉस्ट, पेरीमीटर फ्रेम और सीट के नीचे बंजी स्ट्रैप्स भी मिलती है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि KTM 250 ड्यूक साइज्ड इंजन को 8500 RPM पर 27 PS की पावर और 6500 RPM पर 23.5 न्यूटन मीटर्स की पिक टॉर्क पैदा करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इसका मोटर 6 स्पीड ट्रांसमिशन और स्लीपर क्लच के साथ आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 13 लीटर है और अपने एल्डर सिबलिंग्स की तरह यह भी सेम है। हार्डवेयर में भी थोड़ा बदलाव है और क्वार्टर लीटर डोमिनार अपनी बड़ी सिबलिंग पर 43mm की तुलना में 37mm USD फोक्स का उपयोग करता है, जिसमें 135mm की ट्रैवल है। यह उसी रियर मोनोशॉक को बरकरार रखता है। इसमें 300mm डिस्क सामने और पीछे 230mm डिस्क का उपयोग किया गया है। स्विंग आर्म्स अब एक बॉक्स सेक्शन टाइप है। डोमिनार 250 में आपको 100 सेक्शन के फ्रंट और 130 सेक्शन के रियर MRF जैपर के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको डुअल चैनल ABS सिस्टम भी ऑफर किया गया है। बजाज डोमिनार 250 का मुकाबला फिलहाल KTM ड्यूक 250, हस्क्वार्ना विटपिलियन और स्वाट पिलियन 250 के ट्विन्स, सुजुकी जिक्सर 250 और यामा FZ 250 के साथ है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही हम एक अन्य वीडियो में BS6 वर्जन के कुछ अन्य अपडेटेड बाइक्स की जानकारी के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @prorideranurag।